हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे चैनल एनसीईआरटी जोन में। और इसमें हम एनिमल किंगडम अभी डिस्कस करें। एनिमल किंगडम के कुछ फाइला के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। किस किस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं एनिमल फाइलों। क्लियर? आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना हो तो लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। सब नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फाइलम पोरीफेरा वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, टेनोफोरा भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटी हेलमिंथस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेमोटो, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नहीं, ये डिस्कस करना है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा था फ्लैट वॉर्म, एक ऐसा वॉर्म जो बहुत ज्यादा फ्लैट हो, फ्लैट आपको रिवन टाइप का दिखे। क्लियर? रिवन टाइप का दिखे था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसका एग्जाम्पल भी हम देखने देखा था, टेप वॉर्म एग्जाम्पल है, लीवर फ्लू की एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एस्क्लेमेंथस। क्लियर? इसको नेमाटोडा भी बोलते हैं, एस्क्लेमेंथस या इसको नेमाटोडा भी बोलते हैं। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल है राउंड वर्म, मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है राउंड वर्म। तो राउंड वर्म आपको कुछ नहीं लगता है, ऐसे देखने को मिलता है, तो आपको नहीं लगता राउंड वर्म को ऐसे सेगमेंट करना बहुत टफ हुआ? क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन से सांप का होता है। देखो, राउंड वर्म को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा टफ होता है। क्लियर? लेकिन इसके जगह पे अगर आपका अर्थ वर्म रहता, अर्थ वर्म को आप आसानी से, देखो अर्थ वर्म को आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट इन द सेंस सेगमेंटेड फॉर्म में रहता है, सेगमेंटेड। लेकिन जो पहला वाला है वो सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं, ये ही डिफ्रेंशिएट मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर? राउंड वॉर्म है, अनसेगमेंटेड है, और एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, यानी इसके पास माउथ भी होगा, एनस भी होगा। क्लियर? दोनों कंप्लीट होगा। कहां पे रहते इंपॉर्टेंट? क्लियर? तो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, बाकी चीज बाद में। स्कैरिस इसका एग्जाम्पल है, जिसको, क्लियर, स्कैरिस। और देखो, इसका एक और एग्जाम्पल है राउंड वर्म। राउंड वर्म से स्कैबीज हो सकता है, बुलचारिया बैनक्रॉफ्टी। क्लियर? बुलचारिया बैनक्रॉफ्टी से जो फाइलेरियल वॉर्म है उसे फाइलेरिया होता है, आपको पता है। उसके बाद एनकालोस्टोमा है, जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं, थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है। क्लियर? एस्कैरिस, बुलचारिया बैनक्रॉफ्टी, उसके बाद एनसाइलोटोमा, उसका थ्रेड वॉर्म। तो एक और चीज, कुछ और फीचर्स के देख लेते हैं, उसके बाद बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या याद रखना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल, बस ये ध्यान है। एस्कैरिस, क्लियर, एस्कैरिस एक एग्जाम्पल है, वुलचारिया बैनक्रॉफ्टी दूसरा एग्जाम्पल है, हमें याद हो गया। एस्कैरिस एक एग्जाम्पल है, वुलचारिया बैनक्रॉफ्टी दूसरा एग्जाम्पल है, थ्रेड वॉर्म तीसरा एग्जाम्पल है, और राउंड वॉर्म। क्लियर? ये थोड़ा ये अलग चीज है, ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने अलग, ये यहाँ पे मुझे कॉमा देना चाहिए था, कहाँ पे, कहाँ, एक सेकंड, यहाँ पे। क्लियर? ये अलग चीज है, राउंड वॉर्म से ये हो सकता है, स्कैबीज हो सकता है, वुलचारिया बैनक्रॉप्टी से फाइलेरियल वॉर्म हो जाता है, थोड़े पैर नहीं फूल जाते वो वाला, जिसे हाथी पाव बोलते हैं, थ्रेड वॉर्म, एनसाइलोटोमा जिसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं, एनसाइलोटोमा जिसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, राउंड बॉडी होता है, नाम से पता था राउंड वॉर्म राउंड बॉडी होगा। क्लियर? बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, याद नहीं रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, याद नहीं रखना, ये याद रखना है। जो सीलोमेट होता है, जो सीलम होता है ना शरीर में, वो सीडो होता है, वो मतलब ट्रू नहीं होता है। तो आप बोलोगे भैया क्या नेक्स्ट में ट्रू होता है, ऑब्वियसली जो अर्थ वॉर्म होते हैं उसमें ट्रू सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलम होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, टिश्यू वगैरह के बाद देख रहे थे, ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, लेकिन सर्कुलेटरी और रेस्पायरेटरी ऑर्गन ठीक से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर?
यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल थोड़ी लॉन्गर होती है, हमने फिगर से देखा फीमेल थोड़ी लॉन्गर होती है मेल के रिस्पेक्ट में, क्लियर। और यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब कि इस मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, ऐसे होता है, क्लियर। अब ये बात ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेमाटोडा या एस्क्लेमेंथेस एस्क्रीशन किसके थ्रू करते हैं, तो याद रखना है प्रोटो नेफीडिया के थ्रू करते हैं, प्रोटोनेफीडिया, ये याद रखना है, दो ये वाला याद रखना है और अगला वाला याद रखना है, क्लियर। अधिकतर पैरासाइट होते हैं लेकिन कुछ फ्री भी रहते हैं सॉयल में और वाटर में, क्लियर। पैरासाइट वाले तो आपको पता ही है, जो हमें बीमारी, फ्री वाले हमें बीमारी क्रिएट नहीं करते, जो पैरासाइट होते हैं वो बीमारी याद कर क्रिएट करते हैं। अब देखो बीमारी कहाँ कहाँ, क्योंकि ये तो पैरासाइट है, बीमारी क्रिएट करेंगे। स्कैरिस, स्कैरिस जो कि आपने देखा था वो स्कैरिसिस बीमारी पैदा करता है ह्यूमन में, और ह्यूमन के किस अंग को, किस ऑर्गन को खतरा पहुंचाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन को। थ्रेड वॉर्म आपने आप ही देखा, थ्रेड वॉर्म से क्या होता है, थ्रेड वॉर्म या पिन वॉर्म, इसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटेरोबियस, एंटेरोबियस, क्लियर, एंटेरोबियस मतलब इस स्पेसिस का एक और नाम है एंटेरोबियस। एंटेरोबियस से होता क्या है, ये मेनली चिल्ड्रन के एनस में फाउंड होता है, वहाँ पे ईचिंग फील्ड होती है और कभी कभी वोमिट भी कर जाते हैं, जो कीड़ा जो लग जाना नहीं बोलते, जिसके बाद एलबेंडा जोल दिया जाता है बच्चे को, क्लियर, उस कीड़े की बात करती है, वो बच्चा बेड पे यूरिनेट भी कर देता है, क्लियर। और एक और बीमारी आपको पता है फाइलेरिया, तो फाइलेरिया बीमारी फाइलेरियल के द्वारा होता है, फाइलेरियल, और एक फाइलेरियल बीमारी है किसके द्वारा होता है, बुलचारिया बैनक्रॉप्टी के द्वारा, क्लियर, बुलचारिया बैनक्रॉप्टी के द्वारा, यही वो है, क्लियर। तो इसमें हमें ध्यान क्या करना है, मोस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है, थ्रेड वॉर्म, उसके बाद बुलचारिया बैनक्रॉप्टी, उसके बाद एनसीडलोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं, और राउंड वर्म वगैरह। अब नेक्स्ट है एनीलिडा, एनीलिडा में सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल अर्थवर्म, अर्थवर्म सबसे एग्जाम्पल है, क्लियर। तो अर्थवर्म क्या होता है, सबसे पहले सेगमेंट में बटा होता है, सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड, क्लियर। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, फोर पेयर ऑफ हार्ट होते हैं इन अर्थवर्म, क्लियर, चार पेयर ऑफ हार्ट चैम्बर होते हैं अर्थवर्म में, याद रखना है, क्लियर। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, हमें देख के ही पता चल गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्लियर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक डायब्लास्ट, बाय डायब्लास्टिक मैं बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा ध्यान है। सीलोमेट ऑब्वियसली ट्रू, पिछले में क्या था, फॉल्स था, यहाँ भी ऑर्गन वो भी ऑर्गन, क्लियर। मेटामेडिकली सेगमेंटर है, मतलब हम ऐसे बोलते हैं, क्लियर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ध्यान रखना, और एलिमेंट्री कैनाल बेल डेवलप्ड है, रेस्पायरेशन भी होता है, रेस्पायरेशन नॉर्मली है स्किन से होता है लेकिन कुछ के केस में गिल्स से भी होता है, ये ध्यान रखना है। एनिलिडा के केस में जो नॉर्मली जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके केस में होता है, स्किन से होता है, स्किन नहीं स्किन, क्लियर, लेकिन कुछ केस में गिल्स से होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ब्लड रेड होता है, क्लियर, ये बात याद रखना है। पिछले में हमने ये प्लस है, ये अलग फैक्ट है, पिछले में हमने क्या याद रखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा और इनका ऑर्गन यूज होता है, प्रोटो नेफिरिडिया, यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे देखो नेफिरिडिया, वहां पे प्रोटो, यहाँ पे नेफिरिडिया, ये कंफ्यूजन मैं आपको बताना चाह रहा था, क्लियर। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है गैमेट सेल के तरह, क्लियर। इसमें कुछ यूनिक, देखो पिछले में हमने क्या देखा था, पिछले में देखा था सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इसमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, लीच, अर्थवॉर्म, या एक और नेरिस, या अर्थवॉर्म को एक और नाम है फेरिलिटीमा, और एक और नाम है ब्लड सकिंग लीच, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपसे सिंपल पूछ जा सकता है, कौन सा फाइला, किसको हम सिंपल सिंपल, कौन सा स्पेसी जिसको हम ब्लड सकिंग लीच किसको बोलते हैं, तो आपका ये नाम याद रखना चाहिए, हीरुली, हीरू डिनेरिया, हीरू डिनेरिया, ऐसे याद करो, जो टफ वर्ड होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके, हीरू डिनेरिया, क्लियर, याद हो गया। तो एनिलिडा के केस में हमें क्या होता है, क्लियर, एनिलिडा के केस में हमें क्या याद रखना है, एक 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 टर्म मैंने वैसे ही लिख लिया था, ये याद ध्यान नहीं रखना, क्लियर। अब उसमें देखा, ये आपको ये तो पता है चलते हैं, तो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, लोकोमोशन होता है थ्रू सेटी,
सेटी के थ्रू होता है, जो किससे बना होता है, चिटिन के बना होता है, ध्यान देना। लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सेटी के थ्रू होता है, सेटी। और एक किसका बना होता है, चिटिन का बना होता है। तो हमने दोनों में याद रख लिया क्या क्या फैक्ट याद रखे इसमें। एस्क्लेमेंथस में हमने क्या क्या याद रखे, पहले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैरिस बुलचारिया बैनक्रॉफ्टी थ्रेड वॉर्म, एन साइलोस्टोमा, क्लियर। बीमारी याद रखे, ये बुलचारिया बैनक्रॉफ्टी से फाइलेरियल डिजीज हो जाता है, राउंड वॉर्म से क्या होता है, उसी तरह हमें याद रखना है आगे भी। नेक्स्ट हम याद रखते हैं ऑर्थोपोडा, क्लियर, फाइलम ऑर्थोपोडा। ध्यान देना, ऑर्थोपोडा का सिंपल मतलब होता है ज्वाइंट लेग, क्लियर। ज्वाइंट लेग मतलब लेग ज्वाइंटेड होता है। इसमें कौन कौन से कनेक्टेड होते हैं, देखो ये जो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करें, मौलूसा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वाला डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेटा वगैरह डिस्कस करेंगे। कॉर्डेटा क्योंकि वो एक साथ है, कॉर्डेटा फिर उसके अलग अलग क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ऑर्थोपोडा की बात आती है तो समझो ज्वाइंट लेग। तो और क्या क्या याद रखना है, लार्जेस्ट फाइला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइला है। तो आप पूछोगे भैया सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, मोलूसा। मोलूसा में कौन कौन आते हैं, ये सारे घोंघा वगैरह ऑक्टोपस वगैरह जो आते हैं वो सब के सब आते हैं, क्लियर। इसमें इंसेक्ट आते हैं, क्लियर। बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, मतलब जिसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं सिंगल प्लेन की मदद से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लियर। बॉडी यहाँ पे याद रखना है, बॉडी कवर होती है चिटिनियस जो स्केलेटन से, ध्यान देना ध्यान देना। आपको बॉडी हार्ड नहीं लगता, ये हार्ड बॉडी नहीं लगता, ऊपर से सब पे हार्ड बॉडी नहीं लगता, थोड़ा सा हार्ड नहीं लगता, ऐसा तो आपको दबा दोगे नहीं, क्लियर। यही लिखा हुआ है, चिटिनियस एक्जो स्केलेटन से बना होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ऑब्वियसली, क्लियर। ज्वाइंट लेग होते हैं। और एक और चीज, इनकी बॉडी तीन रीजन में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले हेड थॉरेक्स, और एक होते हैं एब्डोमेन, तीन पार्ट में, हेड थॉरेक्स एब्डोमेन, क्लियर। रेस्पायरेशन इज बाय ट्रेचिया, गिल्स बुक लंग, बहुत सारे ऑर्गन के मदद से इनका रेस्पायरेशन होता है। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को बोलते हैं हेमोसियोल, क्लियर। ये तो नॉर्मल बात है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन विद इन अ बॉडी होता है, ज्यादा याद नहीं रखना है। एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे पहले क्या है, कॉकरोच, उसके बाद प्रॉन, क्रैब, बग, फ्लाई, मॉस्क्यूटो, वीजे, सारे। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट फाइलम है, नेक्स्ट क्या है, इंसेक्ट के पास 6 फीट होते हैं और 4 विंग्स होती हैं, 4 6 पैर होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, क्लियर। कॉकरोच के हर्ट में, ध्यान देना, कॉकरोच के हर्ट में 13 चैम्बर, 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हर्ट में, क्लियर। उसके बाद एंट जो चीटी होती है, टर्माइट होते हैं जो काठ वगैरह के में लग जाते हैं, वो दोनों सोशल एनिमल है, ध्यान देना, दोनों काठ ये दोनों सोशल एनिमल है। क्यों सोशल एनिमल बोलते हैं, एंट को इसलिए सोशल एनिमल बोलते हैं कि वो लेबर डिवीजन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन टर्माइट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉलोनी में रहता है, क्लियर। यहाँ पे लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो फैक्ट्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन फीचर्स, क्लियर। फीचर्स बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछेंगे। मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट इज कॉल मालपीजियन ट्यूबल्स, इंसेक्ट का मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मालपीजियन ट्यूबल्स बोलते हैं। ये सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वर्म के प्यूपा से, ये नॉर्मल फैक्ट है। और ये भी सिल्क वर्म कहाँ, किसके कैटेगरी में, ऑब्वियसली ऑर्थोपोडा के, क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, आईज सिंपल और कंपाउंड होता है, ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। एग्जाम्पल आपने कुछ एग्जाम्पल और रख लिया, कुछ और रख लिया, जैसे हनी बीज बेसी के एग्जाम्पल होते हैं, स्पाइज बोलते हैं, सिल्क वर्म जिसको हम बॉम्बाइक्स बोलते हैं, क्लियर। डिजीज देखो, बीमारी का के लिए वेक्टर का काम करता है, इधर से उधर बीमारी को फैलाना, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो में कौन कौन आपको पता है, एडस एजिप्टस का नाम आपने बहुत सुना होगा, एनोफिलस का नाम सुना होगा, क्यूलेक्स का नाम सुना होगा, लिविंग फोसिल्स कौन है,
लिमुलस है, किंग क्रैब इसको बोलते हैं, लिंग किंग क्रैब। तो आपसे पूछा जाएगा लिविंग फॉसिल्स किसको बोलते हैं, तो लिमुलस को बोलते हैं, जिसको हम किंग क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। और ऑर्थोपोडा में कुछ ऐसे मॉस्किटो भी है जो एज ए वेक्टर का काम करते हैं, क्यों? क्योंकि डिजीज को फैलाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है, एनोफिलस, एडस, क्यूलेक्स। क्लियर, ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद मौलुसा की बात करते हैं। मौलुसा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट याद रखना है आपको, कुछ इसमें फैक्ट याद करवाऊंगा। क्लियर, बहुत सारे फैक्ट है वो याद करवाऊंगा। सबसे पहले बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा ये लाइन याद नहीं रखना है क्योंकि सब हो गया, सब ऐसे ही हो रहा है। सॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ देखो ना कितना सॉफ्ट है ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट की नहीं, सॉफ्ट। ये पार्ट तो ये लोग खुद बनाते हैं ताकि अपने आप को कवर किया जा सके। क्लियर क्लियर। और यहाँ पे देखो एक्वेटिक अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, बॉडी को आप सेगमेंट नहीं कर सकते, और इसके ऊपर कैलकेरियस सेल्स होता है। क्लियर, क्योंकि ये खुद डिस्क्रीट करते हैं CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को, ताकि अपने बॉडी को कवर कर सके, मजबूत बना सके। हेड अलग होता है, मस्कुलर फुट अलग होता है, और हम्प अलग होता है, ये सब अलग अलग होता है। क्लियर। रेस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव किया जाता है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा ये सब काम करते हैं। रडूला एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, मतलब रेस्पिंग ऑर्गन है फॉर फीडिंग के लिए। फीडिंग के लिए कौन सा ऑर्गन काम आता है, रेडूला। क्लियर। अब नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। एक तो है पीला, पीला को आप एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है भाई आप बताइए एप्पल स्नेल किसको बोलते हैं, तो आप बोलना है पीला। पूछेंगे एप्पल स्नेल किस फाइलम का पार्ट है, तो आप बोलना मलुषा, मलुस्का। और क्या मलुस्का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, नहीं, मलुस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है, पहला है ऑर्थोपोडा। क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का एक और नाम है डेविल फिश, आपको पता होगा डेविल फिश आप लोग खुद बोलते हो। क्लियर। आगे देखते हैं लोलीगो, लोलीगो का एक और नाम है स्क्वाइड। सेपिया का एक और नाम है कटल फिश, कटल फिश का नाम है सेपिया, ऐसे बोलते हैं। पर्ल ओस्टर, पर्ल ओस्टर का एक और नाम है पिंक टाडा, पिंक टाडा। लैम्प स्नेल आपको पता हो, घोंगा वगैरह का वो बोलते हैं। क्लियर। तो ये सारा एग्जाम्पल आपको याद हो जाए भाई, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। पीला एप्पल स्नेल, पीला ऑक्टोपस, डेविल फिश, लोलीगो जिसको स्क्वाइड बोलते हैं, सेपिया जिसको कटल फिश बोलते हैं, पिंक टाटा जिसको पर्ल ओस्टर बोलते हैं, लैंड स्नेल भी है। क्लियर। यहाँ पे देखो मेंटल इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन इट व्हिच सिक्रेट ए हार्ड कैलकेशियस सेल अराउंड अ बॉडी, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप रहता है। मेंटल हमेशा इसके पास होते हैं, जो क्या करते हैं, जो 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 इसमें एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के सेल सिक्रेट करते हैं, जो इनके शरीर के ऊपर से आ जाता है, जो इनको कवर करता है। एकाइनो डोरमेंट है, एकाइनो, एकाइनो का मतलब होता है ऑन स्पाइन, या हम बोल सकते हैं कांटा। क्लियर। और डर्मोटा का मतलब होता है ऑन स्किन। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नहीं लगता है स्किन पे थोड़ा कांटा है, कांटा है। क्लियर क्लियर। तो ये एडल्ट रेडिकली सिमेट्रिकल होता है, रेडिकली सिमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकली सिमेट्रिकल। और देखो एडल्ट जो होते हैं ना, जब आप पूरे बड़े हो जाएंगे तभी आप रेडिकली सिमेट्रिकल होंगे, जब बच्चे होंगे तो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर। ट्रिप्रोप्लास्टिक सीलोमेट है, याद नहीं रखना है। सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखते हैं, स्टार फिश का एग्जाम्पल, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार का एग्जाम्पल, सी लिली का एग्जाम्पल। सी लिली को हम लिविंग एनिमल बोलते हैं, सी लिली को हम लिविंग एनिमल बोलते हैं। उसका सी यूर अर्चिन के बारे में, सी सी ककम्बर, ककम्बर को आप ऐसे नहीं, कुकुम्बर को आप ऐसे नहीं बोल देना भाई ये तो फ्रूट होएगा, नहीं, ये एक स्पेसीज है, एक एनिमल है। क्लियर। किसका पार्ट है, एकाइनोडॉर्मेटा का पार्ट है। तो एग्जाम्पल देखिए स्टार फिश, इसमें एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एंडो स्केलेटन होते हैं, इसके एंडो स्केलेटन होते हैं, सब में ऊपर हो रहा है, इसके एंड में है। क्लियर। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में। एनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फीच है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो इनकी फीडिंग में मदद करते हैं, लोकोमोशन में, रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। क्लियर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मल।
एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर्स मैं बताता हूँ ना के बराबर पूछने का चांस है। एग्जाम्पल एस्टेरियास, जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, ब्रिटल स्टार का क्या नाम है, ओफ्यूरा, ओफ्यूरा। उसके बाद सी लिली को हम लिविंग एनिमल बोलते हैं, सी लिली का एक और नाम क्या है, एंटेडॉन, एंटेडॉन। सी अर्चिन का क्या नाम है, एचिनस, एचिनस। और सी ककुम्बर भी है इसी तरह है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आप देख लियो, क्लियर। उसके बाद हम कॉर्डेटा डिस्कस करेंगे। कॉर्डेटा में हम, क्योंकि अलग अलग फाइलम डिस्कस करना है, तो ये सब एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये सारे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट टिश्यू है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं एटलीस्ट 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 पहला चैप्टर खत्म कर दूंगा। प्लांट टिश्यू का मन होगा तो प्लांट टिश्यू का भी वीडियो बना लूंगा। और देखो इसमें थोड़ा मैं ट्राई किया हूँ कि ऐसे फिगर लाया जाए ताकि आपको समझ में आना, मतलब ये अभी पूरा नोट्स नहीं बना हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा बना हुआ है समझने के लिए, क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।